हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाओं के मद्देनजर दिए जाने वाले फंड को लेकर अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हिसाब मांगा है। धूमल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र से प्रदेश को मिले 75,000 करोड़ की आर्थिक मदद के बावजूद प्रदेश सरकार की झोली खाली है। अगर ऐसा है तो केंद्र का पैसा कहाँ खर्च किया गया है, इस बात की जाँच होनी चाहिए। केंद्र से अब लगभग 75,000 करोड़ रुपया प्रदेश को मिलेगा, तो अंदाजा लगाया जा सकता है जब इतना पैसा केंद्र से मिल रहा है। कल रात ही पहली खबर ये थी कि टूरिज्म के विकास के लिए 100 करोड़ रुपया कल ही केंद्र ने इनको और मंजूर किया है, हजारों करोड़ आ रहा है। इसके बावजूद कहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो विकास कार्य भी ठप पड़े हैं, पैसा जा कहाँ रहा है? सबसे बड़ी जाँच का विषय तो ये है।